खटोच कच की जो माँ थी उसका नाम बताओ। तो खटोच कच की जो माँ थी उनका नाम था, पहले फादर का नाम बता देता हूँ, भीम उनका नाम था। और भीम की जो पत्नी थी वो थी हडिम्बा, जो कि मनाली में इनका मंदिर है और खटोच कच का भी साथ में ही उनका मंदिर उनका भी बना हुआ है। तो ये मनाली में, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास के हमारे हैं 350 से लेकर 400 क्वेश्चनों के आंसर। तो ये सीरीज हमने शुरू की हुई है हिमाचल के सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और महत्वपूर्ण प्रश्न सभी होंगे और हम इस सीरीज को चलाए रखेंगे। आप भी इस सीरीज के साथ हिस्सा बनिए हमारा, और हम इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। तो ये हमारे कवर करते हैं HPPSC के सभी एग्जाम्स को। हिमाचल प्रदेश में टैट का एग्जाम होता है, उसको पटवारी का है, एलाइड सर्विसेज का है। जैसे जैसे पोस्टें निकलती जाएंगी उसके भी हम ब्रीफ क्वेश्चंस को और बेस्ट क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आएंगे। आप वीडियो को, मैं आज पहली बार जुड़े हैं तो पिछली वीडियोस जरूर देखें हमारी, और अगर आप अपने फ्रेंड्स का भी अच्छा करना चाहते हैं तो उनका भी भला करें और इसको वीडियो को साथ में ही स्ट्रीम को शेयर कर दें। तो वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में मेरी यात्राएं के लेखक कौन हैं? तो ये है MS रंधावा। कौन है? MS रंधावा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक भी रहते हैं हमारे, मैक्सिमम पेपरों में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनकी किताबों को पूछा जाता है। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना है, आपने इनकी किताबों की लिस्ट बनाओ और उसको पूरा का पूरा आप ध्यान में रख लो, ठीक है जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, थुरल चढ़ियार पंजरुखी घाटियां, ठीक है, थुरल चढ़ियार है, पंजरुखी है, प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? ये कौन से जिले में आती हैं? ये आपसे पूछा गया है। और जो थुरल से रहने वाले हैं, कोई चढ़ियार के हैं, तो फटाफट अपने इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये घाटियों के नाम पर भी हैं, ठीक है जी। तो ये आंसर रहेगा कांगड़ा जिला में ये स्थित है। अगला सवाल है, जरी और मलाणा घाटियां कहां पर हैं? तो जरी और मलाणा घाटियां जो हैं, ठीक है जी, वो हैं कुल्लू जिला में। कौन से जिला में स्थित है? कुल्लू जिला से जुड़ी हुई है। अगली है कुरपार और पतलीकुल। देखिए पतलीकुल सुना भी होगा आपने, ठीक है। सैंज तीर्थन वैली है, कुरपार भी है ऐसे ही। तो ये कुल्लू जिला में स्थित है। कहाँ पे है? कुल्लू में है, और ये वहां की बहुत ही प्रसिद्ध घाटियां हैं। पर्यटन के स्थिति में, यानी कि उसमें भी सोचा जाए तो बहुत बढ़िया एक घूमने का स्थान है। महाभारत के योद्धा खटोच कच की जो माँ थी उसका नाम बताओ। तो खटोच कच की जो माँ थी उनका नाम था, पहले फादर का नाम बता देता हूँ, भीम उनका नाम था। और भीम की जो पत्नी थी वो थी हडिम्बा, जो कि मनाली में इनका मंदिर है और खटोच कच का भी साथ में ही उनका मंदिर उनका भी बना हुआ है। तो ये मनाली में स्थित है। तो हडिम्बा देवी जो है वो इनकी, खटोच कच की माँ का नाम था। हडिम्बा माता का मंदिर कुल्लू के में कौन सी जगह पर है? तो कुल्लू में जो है ये डुंगरी नामक स्थान कहा जाता है, तो डुंगरी के जंगलों में स्थित है, तो डुंगरी इसका सही आंसर रहेगा। ऐसे ही लिंगटी स्पीति पिन घाटियां ये कहाँ पर की हैं? तो ये है हमारी लाहौल स्पीति की। कहाँ से है जी? लाहौल स्पीति से जुड़ी हुई है। अगला है चंद्रभागा घाटी, यानी कि लाहौल स्पीति से है, अन्य नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम है गंगोड। किस नाम से जाना जाता है? गंगोड के नाम से जाना जाता है, या पट्टन घाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पट्टन घाटी भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। इससे भी आपने सेव कर लेना है, नोट कर लेना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। चंद्रा और भागा नदियों के संगम स्थल क्या है? तो जहां पर चंद्रा और भागा मिलती है उस जगह का नाम है तांदी। कई जगह तांदी लिखा हो सकता है, आपको टांडी भी मिल सकता है।
तो भैया ऐसे नहीं सोचना है, ये मिलते जुलते नाम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट है। 1962 में भारतीय जर्मन परियोजना कहां पर चलाई गई? तो ये चलाई गई थी बल घाटी, यानी कि सुंदरनगर, यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में आएगी ये, तो वहां पर चलाई गई थी सन 1962 में। अगला है कुनिहार घाटी कहां पर है? तो कुनिहार घाटी सोलन में स्थित है। कहां पर है? सोलन में स्थित है। 1938-39 में किस ब्रिटिश वन रक्षक ने जो है पब्बर तथा आंध्रा नाले में, यानी कि शिमला की साइड जा रहे हैं, ट्राउट मछली पालनी पालन पालन होगा ठीक है पालन प्रारंभ किया था? तो श्री ग्लोबर थे। कौन थे? श्री ग्लोबर। अगला सवाल है किन्नौर की सुप्रसिद्ध बसपा घाटी, किन्नौर में जो है बसपा घाटी जो है बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये कहां पर है, तो किस घाटी में है? तो सांगला घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? सांगला घाटी में स्थित है। अगला है हर रंग और शंग नाम क्या है? हंग रंग और शंग रंग नाम जो है ये किन्नौर की घाटियां हैं। किसकी घाटियां हैं? किन्नौर की घाटियां हैं। अगला है किन्नौर में स्थित करछम छितकुल गांव जो है किस घाटी में है? तो ये भी सांगला घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? सांगला घाटी में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा सांगला घाटी। अगला सवाल है बसपा के दोनों किनारों पर कौन सी दो बड़े गांव स्थित है, यानी कि बसपा के नजदीक में है, तो वो है एक कमरू और एक सांगला। कमरू और सांगला जो है ये बड़े बड़े जो है वो दो गांव हैं जो कि बसपा के किनारे पर बसे हुए हैं। पोंटा या क्याद्रा दून घाटियां कहां पर स्थित हैं? तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है ये सिरमौर में स्थित है। कहां पर है? सिरमौर में स्थित है। अगला सवाल है क्याद्रा दून घाटी कहां घाटी पर लोगों को किसने बसाया, यानी किसने इनको बसाया था? तो राजा शमशेर प्रकाश। तो राजा शमशेर प्रकाश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पौराणिक साहित्य के अनुसार किस नदी पर शिव का निवास माना जाता है? तो शिव का निवास जो है वो किस नदी पर माना जाता है? वो है सतलुज नदी पर माना जाता है। कौन सा आंसर रहेगा? सतलुज नदी। अगला है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है? तो शिपकी के पास ये प्रवेश करती है, और जो कि नामगिया गांव का नाम है। क्या है? नामगिया। नामगिया जो है गांव का नाम। नेक्स्ट आता है किन्नौर की कौन सी नदी सतलुज में मिलती है? तो ये है सतलुज में किन्नौर की जो है वो बसपा नदी जो है वो मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? बसपा नदी जो है वो मिलती है। अगला सवाल है अटली गंबरोट और सीरखंड किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, आपने नोट करिए, उनको बनाइए और लर्न करिए। अगला सवाल है नाथपा झाकड़ी जो कि 1500 मेगावाट की है ये भी किस नदी पर है? और ये भी सतलुज नदी पर ही स्थित है। अगला सवाल रामपुर का कोल डैम है और कहल लुहरी विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो लुहरी भी ये भी सतलुज नदी पर ही स्थित है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी। सतलुज नदी के किनारे पर कौन से शहर बसे हुए हैं? तो ये हैं रामपुर और बिलासपुर। रामपुर और बिलासपुर जो हैं वो सतलुज नदी के किनारे पर ही बसे। नेक्स्ट आता है किस नदी को वैदिक साहित्य में अर्जकिया और संस्कृत में विपाशा कहा जाता है? बहुत ही है अच्छा है ब्यास कुंड, यानी कि ब्यास नदी का उद्गम स्थान ब्यास नदी को कहा जाता है। बहुत बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित ब्यास कुंड, देखिए आ गया ना, से कौन सी नदी निकलती है? फिर से आ गया पीर पंजाल में से आपकी कौन सी निकलती है? तो ब्यास नदी ही इसका सही आंसर रहेगा।
अगला है ब्यास नदी हिमाचल में कितने किलोमीटर तक बहती है, तो ये बहती है 256 किलोमीटर, कितने 256 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट आता है मिर्थल नामक स्थान पर कौन सी नदी पंजाब में प्रवेश करती है, तो ये भी आपका आंसर रहेगा ब्यास नदी, कौन सी नदी ब्यास नदी। नेक्स्ट आता है ब्यास नदी किस स्थान पर सतलुज नदी से में विलय हो जाती है, तो वो है हरी का पतन, तो सतलुज नदी से मिल जाती है ये, तो ये कौन सी जगह पर मिलती है हरी का पतन या पत्तन बोल लो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमीरपुर की उणाह और मान खड्डे हैं ये सहायक, किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको मैंने बताया हमीरपुर में कोई भी नदी नहीं है, उसको डिवाइड करती है कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को, वो है सिर्फ ब्यास नदी। तो ये मान खड्डे और ये जो कूड़ा खड्ड है ये भी अपनी खड्डे जो है वो ब्यास नदी में ही आकर मिल जाती हैं बच्चों, ठीक है जी। और कांगड़ा की जो है बिनवा बाण बनेर गज चक्की न्युगल है ना, तो ये सभी खड्डे किसकी हैं, तो ये भी हमारी किससे मिलती है ब्यास नदी से ही मिलती हैं। पंडोह, पंडोह डैम की बात करें 14 किलोमीटर का है, तो किस नदी पर है, तो ये भी ब्यास नदी पर ही बना हुआ है। अगला है ब्यास नदी पर कांगड़ा में कौन सा बांध बनाया गया है, तो वो है रणजीत सागर बांध, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये पोंग बांध भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है पोंग बांध। अगला है बजोरा ओट सुजानपुर टीरा नदौड़ देरा गोपीपुर कस्बे शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये सभी के सभी ये जो मंडी से आ रही है नदी और ये सुजानपुर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर नदौड़ जा रही है, फिर देरा गोपीपुर हो जा रही है, तो ये ब्यास नदी जो है वो रास्ते उसके बताए गए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ब्यास नदी, प्यारे बच्चों। अगला सवाल बड़ा बंगाल किस नदी के उद्गम स्थान है, देखिए बड़ा बंगाल जो है एक ग्लेशियर से जो है वहां के ग्लेशियर से रावी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है रावी नदी का उद्गम स्थल है। अगला है चंबा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये भी रावी नदी के किनारे पर ही स्थित है प्यारे बच्चों। अगला है चंबा शहर किस नदी के किनारे पर, फिर से आ गया है, तो ये भी रावी ही नदी आंसर रहेगा। अगला सवाल है किस नदी को वेदों में परुषणी, देखो कई बार आएगा परुषणी, संस्कृत में ईरावती, याद रखना किसको किस में कहा जाता है, तो किस नदी के ये नाम है, तो ये है रावी नदी के उपनाम है जो कि संस्कृत और वैदिक नाम दिए है रावी नदी के। अगला है किस नदी को वेदों में आस्कनी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चिनाब नदी को, कौन सी नदी को जाना जाता है चिनाब नदी को। अगला सवाल है जल प्रवाह की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी, यानी कि पानी की दृष्टि में हम देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी जो है वो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। भुजंद नामक जो स्थान पर कौन सी नदी जो है पांगी घाटी में प्रवेश करती है, तो पांगी में यानी कि चंबा से होकर जा रही है, तो रावी नदी ही याद रखिएगा रावी नदी जो है वो जाती है। अगला है किस स्थान पर चंद्रमा की बेटी चंद्रा और सूर्य का के पुत्र का विवाह सूत्र में बंधे थे, तो कौन सी जगह पर बंधे थे, वो था तांदी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर तांदी। अगला सवाल है बिलासपुर में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको बोला जाता है भोजकी, तो बिलासपुर में ब्राह्मणों को जो पूजा करते हैं उनको क्या बोलते हैं भोजकी। शिमला और सिरमौर में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है पजियार, किस नाम से बुलाया जाता है ब्राह्मणों को पजियार, तो पजियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल की दूसरी सबसे बड़ी प्राचीनतम जैसे जाति है खश का मूल स्थान क्या है, तो खश जाति जो है वो मध्य एशिया से रिलेटेड है या जुड़ी हुई है, कहां से मध्य एशिया से।
अगला सवाल है, संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो कुलिंद के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुलिंद के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा पालमपुर रेलू की घाटियां मुख्यतः किस जाति के लोगों का की प्रधानता यानी कि सबसे ज्यादा है? तो वो है धीरथ, धीरथ जाति के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है, राणा राजवंशों के वंशजों में को कौन सी सम्मानजनक उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो वो है मियां नामक उपाधि से जो है इन्हें सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल, पहाड़ी कला में महान संरक्षक कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस गद्दण को अपनी रानी बनाया था? तो वो था नोखू गद्दण। किसको बनाया था? नोखू गद्दण को ये है इन्होंने अपनी रानी बनाया था। और अंतिम सवाल है, स्पीति घाटी के लोगों का मुख्य भाषा कौन सी है? तो स्पीति वाली साइड यानी कि लाहौल स्पीति में जो है, तो स्पीति में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है भोटी। कौन सी भाषा बोली जाती है? भोटी भाषा बोली जाती है। तो ये है हमारे सवाल जो कि आज के थे, ठीक है। तो ये इन सवालों को आप तैयार करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी तैयारी करने के लिए इसी प्रकार से सवालों की और भी लेकर आऊंगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।